चुनाव लेने के लिए लोग हाथ गोड़ जोड़ते हैं, जब चुनाव जीत गए ना तो बदल जाते हैं, मतलब डीजल बदल जाता है, डीजल पेट्रोल से जो राहत दिया जा रहा है वो जिंदाबाद भैया अभी रात है ना, जितने के बाद सब राहत खत्म हो जाएगा। डीजल और पेट्रोल में गिरावट आया, क्या कहेंगे आज, मालूम ही नहीं गिरावट आया है, पता ही नहीं, आप बताएं तब पता चला है, 2 रुपया लीटर गिरावट आया है तो बहुत ज्यादा हो गया सर। 24 में अगर नरेंद्र मोदी आ गए तो इसलिए नरेंद्र मोदी के किसी तरह से हालत में आना नहीं चाहिए। अगर गोबर भक्त जो होंगे वही वोट देंगे इसको, अगर गोबर भक्त को छोड़ करके मीडियम क्लास के लोग, मजदूर क्लास के लोग इनको वोट नहीं देंगे। अब नमस्कार, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। केंद्र सरकार के द्वारा देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार लोगों को राहत दिया जा रहा है, ऐसे में मैं मौजूद हूँ पेट्रोल टंकी के पर, और यहाँ पर मैं बता दूँ कि केंद्र सरकार के द्वारा जो डीजल और पेट्रोल की दर में गिरावट लाया गया है और उसको लेकर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डीजल और पेट्रोल लेने के लिए लोग पहुँच रहे हैं उन लोगों से मैं बात करूँगा। और मैं बता दूँ कि महंगाई की मार झेल रही बिहार को अब जाकर राहत मिली है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की रेट में गिरावट आया है और केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बिहारवासियों को बड़ी सौगात दी है। तमाम जिले के लिए यह खुशखबरी है और लगातार चुनाव को देखते हुए लोगों को राहत दी जा रही है और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह बड़ी फैसला लिया है और डीजल और पेट्रोल में प्रति 2 रुपये लीटर का गिरावट लाया हुआ है और इसी को लेकर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यह पेट्रोल टंकी है, लोग यहाँ पर तेल लेने के लिए लोग आ रहे हैं और लगातार लोगों को लोकसभा चुनाव को लेकर राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा 2 रुपये लीटर डीजल और पेट्रोल में गिरावट लाया गया है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं, लोगों को लगातार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राहत दी जा रही है? तो ये तो ठीक बात है कि राहत दिया जा रहा है, राहत दे रहे हैं मोदी जी, लेकिन चुनाव है तब दे रहे हैं और चुनाव बाद एक बाय एक 10 रुपया पेट्रोल और डीजल बढ़ाएंगे। ये देश के लोग जान चुके हैं कि जब इनका जरूरत पड़ता है तो माऊ बिल्ली बन जाते हैं और जब वोट ले लेते हैं तो वोट लेने के बाद ये तानाशाह बन जाते हैं। तो ऐसा तानाशाह की जरूरत क्या है इस देश में, इसलिए ऐसा तानाशाह की जरूरत नहीं है। अब मोदी को हटाया जाए, ये धूर्त है, ये जुमलाबाज है, ये जितना भी वादा किए कोई वादा नहीं पूरे किए, ये जुमलाबाज को ऐसे को देश में जरूरत नहीं है। नहीं तो दोस्त जो बचा हुआ है अब रसातल में देश चला जाएगा 24 में अगर नरेंद्र मोदी आ गए तो। इसलिए नरेंद्र मोदी के किसी तरह से हालत में आना नहीं चाहिए। अगर गोबर भक्त जो होंगे वही वोट देंगे इसको, अगर गोबर भक्त को छोड़ करके मीडियम क्लास के लोग, मजदूर क्लास के लोग इनको वोट नहीं देंगे। अब बचा है इंसानियत तो मजदूरों में बचा है, मीडियम क्लास के लोगों में बचा है, मीडियम क्लास के बिजनेस व्यापारों में बसा है। अब ये मोदी को आने से अब देश जो है बचा कुछ है, जनता में जनता जनता इनके जुमलाबाजी में नहीं आ रही, जुमलाबाजी में देश में देखिए ना, दिल्ली में देखिए ना, उनको नजर के सामने उनके दरवाजे पर हो रहा है ना। पिछले साल में 1300 मरेगा, 13 महीने किसान बैठा ना, किसान 13 महीना बैठा, 700 किसान मर गया। किसान जब आपके पास आ रहा है समस्या लेकर के तो ये किल गड़वाने की क्या जरूरत है, उनको समस्या सुनना चाहिए ना। उनको रोड जाम कर दे रहे हैं, लाठी चार्ज करा रहे हैं, हमेशा परीक्षा कैंसिल करते जा रहे हैं, लीक होते जा रहा है, इसका मतलब क्या है? अच्छा ये बताइए, डीजल पेट्रोल में आज गिरावट आया है, डीजल पेट्रोल आया है 2 रुपया, इसको किस नजरिए से देखते हैं, किस नजरिए से इसको अच्छे नजरिए से देखते हैं? बहुत अच्छे से, लोग बोल रहे हैं कि चुनाव को लेकर इस तरह से कुछ बोलेंगे, लेकिन भाजपा जीतेगा, भाजपा फसल काटने से कबरी काटना है, खेसारी काटना है, गेहूँ काटना है, वो जाके दिल्ली बैठा है कि किसान हमारा कटनी कर रहा है, वो सब कोई भी किसान नहीं है, वो सब फालतू है, हम लोग को रगड़ाने वाला है सब। यहाँ पर पॉलिटिक्स बाजी है, चुनाव लेने के लिए लोग हाथ गोड़ जोड़ते हैं, जब चुनाव जीत गए ना तो बदल जाते हैं, मतलब डीजल बदल जाता है, डीजल पेट्रोल से जो राहत दिया जा रहा है वो जिंदाबाद भैया अभी रात है ना, जितने के बाद सब राहत खत्म हो जाएगा, अभी रात है ना, वोट देना है, वोट लेना है ना, तो राहत होगा ही ना, मतलब वोट लेना है तो इस तरह काम किया। हाँ हाँ, हो रहा हो, ऐसा होना ही है। डीजल और पेट्रोल में गिरावट आया, क्या कहेंगे आज, मालूम ही नहीं गिरावट आया है, पता ही नहीं, आप बताएं तब पता चला है, 2 रुपया लीटर गिरावट आया है तो बहुत ज्यादा हो गया सर, बहुत ज्यादा गिरावट आ गया है। बोल रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए बिहार वासियों के लिए ऑफर दिया है, कुछ ऑफर नहीं दिए हैं सर, बताइए, उतना तो आदमी महंगाई तो चल ही रहा है, 2 रुपया 10 रुपया बढ़ा के 2 रुपया गिरा रहे थे, क्या गिरा रहे हैं? सरकार के द्वारा जो डीजल और पेट्रोल में गिरावट लाया है उसको लेकर मैं अभी सासाराम में मौजूद हूँ और सासाराम का ये पेट्रोल टंकी है जो करघर मोड़ के पास है और लोगों में काफ़ी आक्रोश है। वहीं कुछ लोग मोदी के खिलाफ नाराज है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए उनको ये अभी जनता को याद आ रही है और जनता को इससे पहले उनको याद नहीं आती थी। इनके कार्यकाल में जो महंगाई है चरम सीमा पर है और जनता इस बार मूर्ख नहीं बनने वाली है। वहीं कुछ लोग मोदी को फेवर कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि केंद्र में मोदी की सरकार है जो अच्छी काम कर रही है, तो वहीं लोग कुछ लोगों में नाराजगी है। वहीं लगातार ही लोगों के कहा जा रहा है कि 2 रुपये
तेल के गिरावट ला देने से जनता इस बार 2024 में उनको वोट नहीं करेगी। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।